उसके बेटे ने मेरी ननन के साथ बलात्कार किया। आप अपने बेटे का ब्याह अमला से कर दीजिए। क्या हुआ अमला को? मेरी बात सुन रहा ना? अरे हेलो, क्या हो गया था तुझे जो तूने उस लड़की के साथ इतनी हिलियत करके? स्टेशन, मुझे कंप्लेन दर्ज करवानी है। और कितना गिरेगा तू अबीर? तुझे क्या लगता है फोन काट कर तू मेरा मुंह बंद कर देगा? मैं तुझे खुद पुलिस के पास ले जाऊंगी अभी के अभी। चल चल, तू मेरे साथ चल, अभी तो मेरे साथ तुझे चलना है। चल मेरे साथ, चल मैं लेकर जाऊंगी तुझे। चल चल अभी। बस मैंने कुछ नहीं किया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे अबीर से कुछ जरूरी बात करनी है। इस सब में तुम भी इनका साथ दे रहे हो? मैं बस इतना कहूंगा कि इस टाइम आप थोड़ा शांति से काम लीजिए। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है। अभी के अभी मैं इसको पुलिस के पास लेकर जा रही हूँ। हट जा रास्ते से। ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनिए। मुझे अबीर से कुछ बात करनी है, इससे कुछ पूछना है। जाने दीजिए इसको मेरे साथ। चलो अभी, चलो मेरे साथ। रुक अबीर, कि तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। एक एक करके सबका नाम बताऊंगी पुलिस को, फिर जिससे जो पूछना है पुलिस स्टेशन जाकर पूछना। मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना है, सब पता है मुझे। आपका बच्चा, इसलिए आपसे कह रहा हूँ, सोचिए इसके बारे में। इस वक्त ये बहुत बड़ी मुसीबत में है। ये मुसीबत में है? अरे वो लड़की मुसीबत में है। अगर ये जिंदगी भर जेल में सड़ता रहे ना तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही होना चाहिए इसके साथ और उन लोगों के साथ। अबीर, चलो कम ऑन। अबीर, अबीर तू जा रहा है? तू मुंह छिपा के भाग रहा है? जरा सी भी गैरत नहीं रहेगी तुझमें? इस टाइम मामला फंसा हुआ है, आप प्लीज किसी से कोई बात मत कीजिएगा। मैं ये सिचुएशन संभाल कर आपसे मिलने आया। अरे क्या संभाल लेंगे आप? उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी इन लोगों ने। मैं सब कुछ खुद पुलिस को जाकर बताऊंगी। गलती भी मत करना पुलिस के पास जाने की, पछताएंगी। आपको जो कुछ भी पता है वो पूरा सच नहीं है। Come on, अभी लेट्स गो। चलो अभी, मैं सच में जा रहा है। मैं जो कुछ कह रही हूँ बेकार है तेरे लिए। अब तो इनके इशारों पे नाचेगा। अरे आज तक जो भी कुछ किया तेरे लिए वो सब तेरे लिए बेकार था। तेरे से तो कुछ भी उम्मीद करना बेकार है। अभी come on, I don't have time। अरे तेरी माँ भी आज अपने आप को कोस रही होगी जो तेरे जैसे बेटे को पैदा किया, जो जानवरों से भी बदतर है। Come on, अभी चलो, come on, let's go। अभी रुक, रुक अभी, रुक अभी, अभी रुक, अभी रुक अभी। रुक, रुक अभी, अभी। अरे जानवर भी इतने बेरहम नहीं होते। अच्छा हुआ जो तेरी माँ ये देखने से पहले मर गई। हेलो, देख देव आ गया। मैंने कहा था ना देव आएगा। आ गया।
आ गया। अब सब ठीक हो जाएगा। आ गया। देव। बेचारी बस रोती रही। क्या हालत है देव की? कौन था वो? कौन था? वो कुछ बोल नहीं रही है। मैंने पूछा कौन था वो? मैंने पूछा कौन था वो? गुस्सा मत कर देव। पता मुझे कौन था? पता। तू भूल जा अमला को, तू उसके बारे में सोचना ही बंद कर। सुना है उस आदमी को पकड़ लिया है पुलिस ने। लाशा बना दिया मेरा, मार डालूंगा उसे। तेरी माई सही कह रही है, अब तुझे इससे अच्छी लड़की मिल जाएगी। सुना है उस आदमी को पकड़ लिया है पुलिस ने। लाशा बना दिया मेरा, मार डालूंगा उसे। सुन सुन सुन, किसे मार डालेगा? किसे? पागल हो गया? उसमें काम कर, थोड़ा सोच, ठंडे दिमाग से सोच। पुलिस अपना काम कर रही है ना बेटा, पुलिस अपना काम कर रही है, तो अपने दिमाग को कंट्रोल में कर, अपने आप के बारे में सोच, अपने बारे में सोच बच्चे, अपने बारे में। मुझे पता था यही होगा। क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चे का, उस लड़की का? आप कुछ कीजिए ना, आप खड़े क्यों हैं? तू घर जा, मैं कुछ करता हूँ। मैं देख लूंगा, तू घर जा, जा जा। फिर
थोड़ी बाहर की हवा खा लो, अच्छा लगेगा। बच गए। अगर मैं 5 मिनट और देर से आता ना तो हमारा वहां से निकलना मुश्किल हो जाता। खतरनाक गुस्सा है यार तुम्हारी मासों का। मेरी तो बोलती ही बंद हो जाती है ऐसे लोगों के सामने। गले से आवाज ही नहीं निकलती। समझाने की बात तो दूर है। तुमने कोशिश की समझाने की? कुछ कहा उनसे? एकदम सही किया। बोल के फायदा भी तो नहीं है। गुस्से में इंसान सामने वाले की बात ही नहीं सुनता है। तुमने कुछ बोला किसी के बारे में? कमाल है यार, मेरी तो हवा निकली हुई है और तुम्हें देखो बर्फ की तरह ठंडा है दिमाग तुम्हारा। बस अब जल्दी से तुम्हारी मासों का भी हो जाए, दिमाग ठंडा हो जाएगा ना। हाँ अभी ये पुलिस वुलिस के चक्कर में तो पड़ना ही नहीं चाहिए। जाएंगे नहीं ना पुलिस के पास? हाँ अभी पुलिस के पास नहीं जाएंगे ना? नहीं, मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, उनको बताऊंगी कि उसने और उसके दोस्तों ने क्या किया है। अच्छा इतनी नीच हरकत कर कैसे सकता है हमारा अबीर नेगी दाई? उसने गलती नहीं गुनाह किया है और इसकी सजा तो उसको मिलनी ही चाहिए। उसको क्या लगता है वो मुंह उठा के चला जाएगा? तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, उनको बताऊंगी कि उसने और उसके दोस्तों ने क्या किया है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। यहाँ थे तो ठीक थे तुम्हारे दोस्त, शहर में जाने के बाद तो सारी इंसानियत ही खत्म होगी उनमें। तुम अगर उनके साथ बॉम्बे में होते तो कम से कम थोड़ी सी इंसानियत बची तो रहती उनमें। एकदम मॉन्स्टर्स बन गए, मॉन्स्टर्स। वरना कोई कैसे ऐसे फिर बेटा कम से कम तुम्हें तो अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए था ना। तुम तो अच्छे लड़के हो और मैं तो हमेशा इन लोगों से कहता आया हूं कि तुम लोग तो इस लड़के की दोस्ती के लायक ही नहीं हो। कितना अच्छा लड़का है ये जो लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखता है, जो सबकी इज्जत करता है। तुमसे गलती हो गई तो इन लोगों से तो उम्मीद करना ही बेकार है। मुझे पता है गुस्सा क्यों आ रहा है, क्योंकि लोग ये सोच रहे होंगे कि चारों लड़के एक जैसे ही हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि तुम बेचारे यहां बैठकर पछता रहे अपने किए। पछता रहे हो लेकिन मुझे पता है कि तुम उन लड़कों की तरह नहीं। मैं देख सकता हूं अभी तुम्हें, तुम खुद को कोस रहे हो तुम अपने आप को, सोच रहे हो तुम कि इस पाप को अपने सर से कैसे उतारूं। हॉस्पिटल गया था मैं उसे देखने, बहुत बुरे हालात हैं बेचारी के, सहमी हुई है बुरी तरह से, पता नहीं क्या करेगी बेचारी। चुपचाप कहीं और जा रही थी,
उसके साथ बहुत बुरा लग रहा है उसके लिए। बेचारी की जिंदगी बर्बाद हो गई है। तुम लोगों ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है अबीर। अब पता नहीं क्या करेगी, कहां जाएगी, यही सोच रहा हूं मैं। और मुझे पता है कि तुम भी यही सोच रहे हो, यही सोच रहे हो ना तुम। अंतर्यामी कह लो या कुछ भी कह लो, मुझे पता था देव आएगा, उसे ये पता चलेगा और ये अस्पताल सर पर उठा लेगा। किया ना? बिल्कुल ऐसे ही हुआ ना? बर्दाश्त नहीं कर पाया होगा ना बेचारा, नहीं उसकी लाड़ी को किसी और ने छू लिया। क्या कह रहा था, गुस्से में था क्या? बहुत ब्याह व्याह के लिए कुछ कह गया कि नहीं बताओ। मनु, मनु कैसा है, कहाँ है मनु? ठीक है मनु, घर में खेल रहा है। तुम एक काम करो, मुझे बहुत भूख लगी है, जाओ जाकर कुछ खाने को ले आओ, जाओ। मैं चाय बिस्कुट लेके आता हूँ। हाँ जा जाओ ना। डायन लगती थी ना तुझे, तो मैं कहती थी बेटा हद में रहे हद में रहे, तब तो सुनी नहीं तूने। सुननी होती तो ये दिन थोड़ी देखने पड़ते तुझे। जो होना था वो गया, अब जो गुनहगार है वो किसी ना किसी दिन तो पकड़ा जाएगा। और सजा किसे मिल रही है? हमें। यहाँ अस्पताल में कौन पड़ा है, परेशान कौन हो रहे हैं? अब देव को जो करना था वो तो करके चला गया, बड़बड़ा कर चला गया। मैं तुझे बता रही हूँ, वो ब्याह व्याह नहीं करेगा तेरे से, अब अकेली पड़ी है तू। इज्जत मिट्टी में किसकी गई, हमारी? मुझे ही कुछ करना होगा ना, मुझे ही संभालना होगा। पता है तुझे, अभी मैं अंदर आ रही थी, लोग क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे कि ड्रामा कर रही है। सब ड्रामा है इसका, जो कुछ किया है अपनी मर्जी से किया है और उसे बचा रही है जिसके साथ ये सब कुछ किया। तुझे कैसे पता चार थे? कैसे पता तुझे चार थे? अरे तू तो होश में भी नहीं थी, कुछ भी बाकी जा रही है तो एक को बचाने के चक्कर में चार चार मत कर। जाई मैं सच कह रही हूँ। चुप कर तू, चल घर चल, घर चल। वैसे भी ना देव के सर पर खून सवार है, और जब खून सवार होता ना तो आदमी का दिमाग ठिकाने पर नहीं रहता, कुछ भी करेगा। अरे यहाँ अकेली पड़ी रहेगी ना तो कभी भी आकर धावा बोल देगा वो तुझ पर। मैं सच कह रही हूँ। क्या? चार लड़के थे। क्या बोल रही, पागल हो गई क्या? मलिक मलिक जानती है कौन है वो, कितने बड़े आदमी है तुझे मुझे से चुटकियों में खरीद लेंगे अस्पताल के साथ तेरे को, समझे? देख घड़ी के कांटे अगर रुकते होते ना और ये समय थमता होता तो तेरे भाऊ और मैं रोक लेते, मगर ऐसा इस जमाने में नहीं होता ना जादू टोना। तो अब क्या करना है बोल, क्या करना है? मैं तुझे बताती हूँ क्या करना है, चल घर चल।
चल चल जल्दी से घर चल, बस हो गया तेरा ये, हो गया काम कर, ला ला दे तू, जा चल चल घर चल। अरे अच्छा हुआ जी आप आ गए, मैं तो कितनी घबरा गई थी इस लड़की की हालत देखकर। चलो अब इसको घर लेकर चलो बस बस क्यों? मैंने कह दिया चलो। अरे जान खतरे में इसकी, वो देव आएगा और उसका खून कर देगा यहाँ। तो अब क्या करें? क्या करें? चाय बिस्किट खाओ बैठ जाओ जाओ। अरे वो मंद बुद्धि पागल हो क्या तू? चलो पकड़ो इधर आओ, लेकर चलो यहाँ से इसे, चलो पकड़ो उधर से। अब चल यहाँ पे ना, तू 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 देव आएगा चल चल। अरे क्या शांत हो जाओ पापा, मेरी अमला को हाथ लगाया उसने, हाथ काट डालूंगा उसके। तुम में से किसी एक को उस लड़की से शादी करनी पड़ेगी। थोड़ी देर पहले अमला का मंगेतर यहाँ आया था, अमला के सामने ही तोड़फोड़ करने लगा और गुस्से में उसे डरा धमका भी रहा था। अगर तुम्हें वो लड़की वाकई पसंद है तो फिर तुम्हें तो सोचना भी नहीं चाहिए, शादी कर लो उससे। औरतों को समाज का अभिमान समझें, उन्हें बराबरी का दर्जा दें, उनके साथ सम्मान से पेश आएं, क्योंकि वो परिवार और समाज का मजबूत आधार है। समाज के हर वर्ग के पुरुषों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि बलात्कार के अलावा औरतों को किसी भी प्रकार का अपशब्द बोलना, उनका पीछा करना, उन्हें मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना, ये सभी अपराध की श्रेणी में आते हैं। ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जाती है। औरतों के चरित्र पर उंगली उठाना, उनका अपमान करना या ऐसा करने वालों का समर्थन करना, ये सभी सजा के हकदार हैं। तो याद रखें, औरतों का सम्मान करें। तुम में से किसी एक को उस लड़की से शादी करनी पड़ेगी। थोड़ी देर पहले अमला का मंगेतर यहाँ आया था, अमला के सामने ही तोड़फोड़ करने लगा और गुस्से में उसे डरा धमका भी रहा था। अगर तुम्हें वो लड़की वाकई पसंद है तो फिर तुम्हें तो सोचना भी नहीं चाहिए, शादी कर लो उससे।